आगे भाई अपने आज के आखिरी लोकेशन पे, और ये पीछे कैफे है, यहाँ पे प्लान है शूट करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हमारा है कुछ सातवां या आठवां दिन, याद ही नहीं मेरे को कितने दिन हो गए हिमाचल में, और हमारे क्रू मेंबर सारे के सारे रेडी है। अच्छा हम लोग ने तो नहा भी लिया भाई। हाँ। मैंने तो भाई, मैं और विनीत भाई नहा भी लिए, सुबह उठ गए जल्दी। अरे लग नहीं रहा भाई, सुबह उठ गए जल्दी। अभी जा रहे चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड आज थोड़ा कम है बट हवा चल रहा है। ये कहाँ जा रहा है, पिला रहा है क्या कॉफी इधर ही? ये अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा यार ये कॉफी। जाएंगे इधर ही पीछे, फाइनली जंगलों में हमारा आज पहला शूट रहेगा डे वन का। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये हमारे कल भैया से चाय पी थी। भैया कल वाली चाय बनाओ एकदम मस्त एकदम। नहीं नहीं ज़्यादा मीठा भी नहीं यार, नहीं नहीं मतलब जैसे कल था थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं कल वाला तो ठीक ही लग रहा था यार। तो भाई यहाँ चाय पीने आए, अभी कोई आ रहा है बीर, तो एक बार यहाँ की चाय जरूर ट्राई करना। जो बीर से रोड जाता है अंदर पैलेस लैंडिंग साइड से आता है, इधर जाता है, एक बार ट्राई कर। भाई हो गया अपना चाय और खा लिए ऑमलेट भी, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ पे एक बार ब्रेकफास्ट जरूर खाना, चाय तो जरूरी ट्राई करके जाना है, बहुत सही चाय है। और भैया ने तो यार बहुत अच्छी चाय बनाई, मेरे को पता भी नहीं था, पास में ही है होटल में, नहीं तो यहीं पे आता था। तो कल कमल भैया लेके आए यहाँ पे चाय पिया। आज तो तीन लोकेशन ख़त्म करना है कैसे भी करके शाम तक, उसके बाद कल एक और लोकेशन कवर करना है शूट, एक्चुअली चार लोकेशन है तो आज तीन हो जाएगा कल एक, फिर कल शाम तक किस कहीं और जाने वाले हैं, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा कल कहाँ जाने वाले हैं। कैसा रहा भैया ब्रेकफास्ट? कैसा था? बढ़िया ही था ना? सही भाई, एक बात बोलूँ, होटल से तो बढ़िया था, वहाँ से तो बहुत ही अच्छा था, मैं तो बोल सकता हूँ होटल से तो बढ़िया था। लैंडिंग साइड है, वहाँ से अगर कोई दूसरे रोड से बैजनाथ जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो भाई जरूर एक बार रुकते जाना और चाय पी के ही जाना। जक्सु भाई कब बुला रहे हो वापस मुझे यहाँ पे? बहुत जल्द, विनीत की शादी में। विनीत नहीं, शादी तो यार हो तो आऊँगा शादी में विनीत भाई की, बट वापस आता हूँ शूटिंग के लिए मार्च अप्रैल मई में। अरे अरे आज लैंड करने वाले थे यार ये लोग, हम भूल गए यार, देखना यार कर गए अभी करेंगे, कर बैठे होंगे क्योंकि पैकिंग पैक कर रहे हैं। हाँ यार आज भी नहीं आया अपने को, टाइम भी ये लोग ने बताया था कि ये टाइम लैंड करने वाले हैं। हाँ लैंड कर गए मेरे को लग रहा है, पैक कर रहे हैं क्योंकि याद ही नहीं है कि यहाँ पे लैंड करने वाले। मौसम बहुत अच्छा है भाई आज का, धूप है, हवा भी है, तो ज़्यादा ठंडी लग नहीं रही है, ही लग रहा है मेरे को। लगता है कल से वापस से भीड़ चालू हो जाएगी यहाँ पे, कल परसों से यहाँ पे वापस से भरना चालू हो जाएगा, क्योंकि लोग वीकेंड आ रहा है ना, तो वीकेंड पे तो लोग तो यहाँ पे आते ही भरते हैं। यूज़ कर रहे ज़ून क्रेन 2 और सोनी का कैमरा है, और लेंस भी सोनी का है, शॉट अच्छे मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। बेस्ट लोकेशन है यार शूट के लिए, गाने क्योंकि आज अपने को कैसे भी करके भाई तीन लोकेशन कवर करना ही करना है, क्योंकि टाइम कम है और लोकेशन तीन, एक यहाँ पर है और यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर दूसरा है, फिर वापस हमको होटल के पास एक कैफे है, कैफे में शूट करना है। सो आई होप सब अच्छा ही जाए, और बस रेडी करते हैं नेक्स्ट शॉट लेने के लिए। तो भाई एक लोकेशन का हो गया अपना शूटिंग डन, अभी जा रहे दूसरे लोकेशन पे, और कमल भैया आ गए थे अपने बुलेट लेके, अभी भैया जा रहे थे, चलो मैं भी चल देता हूँ आपके साथ में, क्योंकि कार में ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, जगह है नहीं। अभी तो शूट कर रहे हैं, पर एक बार आऊँगा भाई इधर घूमने के लिए, ट्रैकिंग पैराग्लाइडिंग सारे करूँगा, ये तो 100% है। ट्रैकिंग टेंट में और रहना ऊपर जाके पहाड़ों पे, ये भाई टी गार्ड है, यहाँ की चाय मिलती है लोकल जो यहाँ पे बनती है चाय, मिला गया मार्केट में जो यहाँ, मतलब यहीं से निकली और यहीं पे मिले मार्केट में, मेरे को लेके जाना है चाय, एक बार चाय ले जाकर ट्राई करूँगा। मेरे को यहाँ पे ना चाय बहुत पसंद आई, मैं वो खैर चाय तो पीता नहीं, कॉफ़ी वाला बंदा हूँ, बट यहाँ आके चाय पी रहा हूँ भाई,
आज पता हमने सुबह वहाँ पे आए थे वो चाय वाले के पास, भाई चाय तो क्या ऑमलेट बना के दिया, बनाया उन्होंने बढ़िया। अरे होटल में पता इतना महंगा भाई, वो सस्ता कितना था, मैं खाया मतलब यार ये सही है। अभी तो जब तक यहाँ हूँ भाई वही चाय और सुबह का ब्रेकफास्ट अपना वही होने वाला है। कहाँ पे लोकेशन क्या है अभी? पपरोला। तो भाई हो गया एक लोकेशन का डन, हो गया अपना लंच भी। अभी जा रहे पपरोला ना? पपरोला भाई, पपरोला जा रहे सेकेंड लोकेशन आज का, और जितने जल्दी होगा ख़त्म करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। 2 बज चुके हैं और 6 बजे तक सनसेट हो जाता है, तो मेन इम्पोर्टेंट जो शूट है सारे सनसेट वाला है। बहुत टाइम हमारा है, बट टाइम से आने जाने में भी तो टाइम लगेगा ना भैया। एक घंटा तो हमें लग जाए, आधे घंटे लगेगा भैया पहुँचने में। कहाँ पे? पपरोला। आधे घंटे जाने का, आधे घंटे रिटर्न आने का, एक घंटा तो अपना ऐसे चले जाएगा। अरे ऊपर है ना खेतों के ऊपर जो कौन सा कैंप है, वो हिमालयन? नहीं 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 नहीं, ऑफिस जहाँ पे हम लोग को आप पिकअप किए उसके ठीक पीछे ऊपर है खेतों में कैंप है। मैं तो मुंबई से, मैंने सारा लोकेशन खोज रखा, आप तो यही से, आपको ही नहीं पता। अरे अपना होटल भी इसके उधरी साइड है ना, ऊपर साइड ना, ये इधर है, इधर है, क्योंकि मॉनेस्ट्री मैंने देखा था उसके ऊपर शूट कर रहे थे ना, ये वाला मॉनेस्ट्री की बैक साइड में अपना। हाँ इसके पीछे ही है। अरे यही जो जगह थी जो मैंने बस को देखा था ना टर्निंग करने का टाइम, मेरे को लगा भाई टर्निंग नहीं होगा, पर यूं करके घुमाया ना। ये बस है जो है ना, ये है ऑटोमेटिक वॉल्वो वाली, इसका स्टीयरिंग जो ऑटोमेटिक है। आप पूरा घुमाते जाओ, जैसे अपनी HRTC हरियाणा है, इनका स्टीयरिंग इसकी तरह लंबा बड़ा वाला होता है ना, और ये वॉल्वो का जो है ये छोटी रहती है, घुमाते जाओ एकदम पूरा स्टीयरिंग घूम जाएगा एकदम। मैं जब उतरा ना, जब वहाँ पहुँच गया ना ऊपर वीर में, बोले ड्राइवर का जाके हाथ मिलाया, भाई थैंक यू सो मच भैया, बोलते कि पहली बार आए क्या? बोला हाँ पहली बार। मैं तो उतना को तो ऐसे घूम रहा था सारी। यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आर्मी एरिया है दोनों साइड, तो इसके लिए यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किए नहीं भाई। यही बताया था भाई, आखिर खोजते खोजते लोकेशन एक अच्छा मिल ही गया। बट वो भी अच्छा था यार, जब जीप यहाँ आ सकती वहाँ भी जा सकती थी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। इधर पार्किंग करोगे अब? मुझे मैंने बोल दिया, बस सही जगह है भाई, लोकेशन बहुत सही मिली, मतलब जो कलम देख रहे थे वो भी अच्छा था, बट ये भी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इधर रिवर है, पानी आ रहा है और इधर जा रहा है, काफ़ी छिपा रहा है, सही लोकेशन है बस। पट चला गया, हाँ तो यहाँ पे करेंगे ना फिर शूट, चला गाड़ी क्रॉस करते हो एक बार, तो ड्रोन शॉट भी ले लो, गाड़ी शॉट भी दोनों साइड से ले लेंगे हम, यहीं पे करेंगे पूरा शॉट, यहीं है खत्म। ड्रोन रखे बेंच पे बैठे हैं नदी के पास, खेल रहे हो नदी में, वहाँ पे शूट कर, नदी में खेल रहे हैं वहाँ पे कर लेंगे। हाँ नदी, पानी पुनी फेंक रहे हैं भाई, नीचे भी जाके कर लेंगे। लो आप लोग सेट करो, गिम्बल तो ले लो, तब तक गिम्बल शॉट ले रहा ना चक्सू। सो भाई सेकेंड लोकेशन भी अपना ख़त्म हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, रिवर है एंड पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, शायद आपको आवाज़ भी आ रहा है थोड़ी, पानी का आवाज़ भी आ रहा होगा, और सनसेट भी होने वाला है। तो अभी हमारा जो थर्ड वाला शूट है वो गोल्डन आवर्स का है, सनसेट का टाइम का शूट है, तो अभी वापस जा रहे बीर, वहाँ पे कैफे में अब शूट करेंगे, और कुछ ऐसा था हम लोगों ने शूट किए और कुछ शॉट यहाँ पे भी लिए, इसके ऊपर भी लिए, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अभी बस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से कुछ 45 मिनट का रास्ता है, और बहुत सही है भाई। पहुँचे बैजनाथ, टाइम मिला तो ये मंदिर यहाँ पे एक बार दर्शन करके जरूर जाऊँगा शिव जी का। कौन सा रास्ता भैया आगे है ना, अगर टाइम मिला तो एक बार यहाँ पे दर्शन करके जाना है यार शिव जी का, तो बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही फेमस है, तो ये है बैजनाथ मंदिर।
ये रास्ता है। ओके तो भाई आज हमारा शूट का तीसरा और लास्ट लोकेशन जा रहे हैं हम, और सनसेट हो रहा है और हमको शूट करना है गोल्डन आवर्स में, जितनी जल्दी वो वहाँ पहुँच के सेटअप करना है और ब्लॉकिंग करना है और शूट चालू करना है। मेरे को लगता है वही है, वो दिख रहा है बोला, हाँ वही है। ये कैफ़े एकदम खेतों के बीच में बना है, बहुत सही बना है, दिखाता हूँ पहुँच के आप लोग को। बस भाई पहुँचने वाले ही है अपन कैफे, और कैफे मैंने फ़ोटो में देखा था तभी डिसाइड किया था भाई यहाँ पे एक शूट तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सनसेट वहाँ से बहुत सही मिलता है, तो परफेक्ट सनसेट। कुछ इस तरह का रास्ता है खेतों के बीच से होते हुए, ये सारे के सारे गेहूं के खेत हैं खेतों के बीच से रास्ते, यही है ना। ये है कैफे, तो आगे भाई अपने आज के आखिरी लोकेशन पे, और ये पीछे कैफे है, यहाँ पे प्लान है शूट करने का, भी देखते हैं। सनसेट होने वाला है, टाइमिंग बहुत सही है, बस फटफट काम करना है। क्या हुआ भाई, हो गया है लोकेशन पे काम ख़त्म, अभी थोड़ा सा लाइट कम होने की वजह से एक दूसरे कैफे में जाकर शूट करना पड़ेगा। मैंने ड्रोन ले रखा है, हाँ ड्रोन मेरे पास है, और मैंने क्लैप ले रखा है, ये फोन है ये। चलो भाई चल दिए, अपना काम हो गया ख़त्म, और बस आई होप वो भी अब जो लोकेशन पे जा रहा हो भी अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ही कम होने की वजह से हमको चेंज करना पड़ रहा है। भाई हो गया अपना आज का शूटिंग ख़त्म, लास्ट शॉट किया आज हम हिमालयन पिज़्ज़ा में, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन्स आने की वजह से वहाँ पे हम रूम में कैंसिल कर दिया, यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तो फुटेज भी काफ़ी अच्छे मिल गए, और बस अभी जा रहे देखते मार्केट, अगर गए तो गए नहीं तो निकलेंगे होटल, डिनर करेंगे और कहा के सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गया आज तीन लोकेशन कवर करना, बहुत भाग दौड़ और एकदम इधर का उधर जाना, ये वो बहुत इधर उधर बात मांगना पड़ गया। GoPro में से 2-3% बैटरी बची है, सो अभी इसको लगाऊंगा चार्जिंग में, खाना खाऊंगा सो जाऊंगा, क्योंकि कल हमारा यहाँ पे चेकआउट है, और कल जाएंगे पालमपुर में अपना एक शूट रहेगा सुबह, और उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्टली हम निकल जाएंगे बरोट के लिए, बरोट यहाँ से कुछ है 3 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट डे करेंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम वहाँ पे कुछ गांव है, गांव में जाके शूट करने वाले, एक हिमाचली सॉन्ग है और उसको ख़त्म करने का, तो मेरा लास्ट यहाँ पे शूट रहेगा, फिर उसका फिर निकलना है अपने को मुंबई। सो भाई जो भी जैसा है आज का, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को।